सरकारी अस्पताल में मरीज के परिजनों के साथ हुई मारपीट, मालवीय बलाई समाज के लोग पहुंचे एसपी ऑफिस। जिला मुख्यालय के शासकीय जिला अस्पताल में प्रसूता के परिजनों के साथ हुई मारपीट का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले में सीहोर कोतवाली पुलिस ने वायरल वीडियो में महिला और युवक के साथ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। जिला अस्पताल में पदस्थ कर्मचारी को आरोपी बनाया है और वीडियो में दिख रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि संजू ठाकुर अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। इसको लेकर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर मालवीय बलाई समाज के लोग सीहोर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने इस घटना में शामिल संजू ठाकुर की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो सीहोर कलेक्टर का घेराव करेंगे। आज ज्ञापन दिया है, क्या आज ज्ञापन जो दिया है, जिला चिकित्सालय में पेशेंट आए थे हमारे समाज के, और उन लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जो वीडियो आपने भी देखा है। तो उसमें लगातार पहले उन्होंने FIR कराई, लेकिन उनके खिलाफ़ भी FIR कर ली गई। ये सबसे पहली गलती जो है प्रशासन ने वो की है। दूसरी बात यह है कि हमने अभी कुछ दिन पहले हमारे साथियों ने कोतवाली प्रशासन को जाके अवगत कराया था कि ये दो आरोपी जो बचे हुए हैं इनके खिलाफ़ भी कायमी हो, पर अब वो स्वतंत्र घूम रहे हैं। डॉक्टर के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई है, संजय के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये कार्रवाई नहीं होना, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन उनको संरक्षण दे रहा है। तो ये हॉस्पिटल जो है, जो वहाँ पर जो लोग बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, वो अपना इलाज कराने आते हैं, पर वो गुंडों का अड्डा बना हुआ है, जो आपको जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। कई दिनों से हॉस्पिटल में गुंडों का राज है। तो अगर उनको बर्खास्त नहीं किया गया, वहाँ से हटाया नहीं गया, और अगर वो कर्मचारी हॉस्पिटल के अंदर दिखे, तो हम इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं बहुजन समाज पार्टी का अधिकृत कार्यकर्ता हूँ। अगर प्रशासन नहीं सुनता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मालवी समाज के SDM ने पट्टे नष्ट कर दिए छावर में, कई घटनाएं पूरे जिले में हो रही, तो ऐसा लग रहा है कि अधिकारी भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, वो प्रशासन को नहीं देख रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता बने हुए हैं और हमारे सुनवाई नहीं हो रही जनता की, वो तो भाजपा के रूप में काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अब हम सबक सिखाने का यहाँ काम करेंगे। अगर ऐसे अधिकारी सीहोर जिले में रहे, तो हम कलेक्ट्रेट का उग्र आंदोलन करेंगे, पूरा कलेक्ट्रेट भरने का काम करेंगे, और इस बात का संदेश हम शासन प्रशासन को बताने का काम करेंगे। देखिए, एक बीते कुछ दिनों पहले अस्पताल में कुछ गार्ड और कुछ मरीज़ के परिजनों के बीच में झादापाई हुई थी, उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे। उसी प्रकरण को लेकर कुछ लोगों ने आज आगे ज्ञापन दिया। उसमें अनुसंधान में कुछ वो अपने उनके ग्रीवेंसेज हैं उन्होंने दिए हैं। उन सभी बिंदुओं पर जो प्रकरण है, उसमें वीडियो फुटेज के आधार पर उसको गहनता से, उसकी बारीकी से जांच कराई जाएगी, और उसमें जो भी निकल के आएगा अनुसंधान में, वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। दूसरा सर, आज तक वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध है। बस आपको बढ़ाना है एक कदम, जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।